हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड वी फाउंड आउट दैट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ पॉसिबल आइदर बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और बाई चेंजिंग प्रेशर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, इन विच वी डिस्कस्ड मैनी टर्म्स लाइक मेल्टिंग, बॉयलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। ओके, सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। सो जब हमने मैटर जो है उसकी स्टेट डिस्कस की थी, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमने मैटर की कंपोजिशन डिस्कस की थी, दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस किया था। तो हमने क्या फाउंड आउट किया था कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, दे हैव वेरी लिटिल स्पेस इन बिटवीन देम, एंड इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन केस ऑफ सॉलिड, बट इन गैस द पार्टिकल्स आर मूव फ्रीली। ओके, सो द प्रेशर, प्रेशर मीन्स, प्रेशर का मतलब होता है दबाव लगाना, जोर लगाना, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो सॉलिड्स पे जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट है वो लिक्विड पे भी नहीं होता है, ठीक है। तो मेनली जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, ठीक है, लिक्विड पे भी होता है लेकिन लिक्विड पे भी काफ़ी कम होता है। तो जब हम प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे तो हम मेनली कंसिडर करेंगे गैसियस स्टेट, ठीक है। तो इन द गैसियस स्टेट द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर लार्जेस्ट, मैक्सिमम होता है। सो व्हेन प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन मैटर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड विल बी नेग्लिजिबल, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड विल बी स्मॉल, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे मेनली ऑन गैसेस। सो व्हेन प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन गैसेस द पार्टिकल्स मूव क्लोजर एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच हेल्प इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस टू लिक्विड, ठीक है। प्रेशर लगाने से क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर हैं, प्रेशर इस तरफ से और इस तरफ से, अगर हमने प्रेशर एग्जर्ट किया तो क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या आ जाएंगे, जा थोड़ा पास पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स थोड़ा पास पास आ जाएंगे तो उसकी जो कंपोजिशन हो जाएगी या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है वो किसके जैसा हो जाता है, लिक्विड के जैसा हो जाता है, और गैस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें गैस भरी होती है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आपके जो परफ्यूम्स जो होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, गैसेस अंडर प्रेशर। आप कभी भी परफ्यूम की बोतल है उसको शेक करके देखना, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उसमें क्या है, कोई लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो आपके गैस सिलेंडर्स होते हैं और परफ्यूम होता है उसके ऊपर एक लगा हुआ है पिस्टन, पिस्टन जो होता है वो क्या काम करता है, जो प्रेशर को क्या करता है, कम करता है, रिलीज करता है। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा लिक्विड है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो परफ्यूम की बोतल जो है उसमें से क्या बाहर निकलते हैं, वेपर्स बाहर निकलते हैं। सेम जो आपका एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें भी जब हम ऊपर जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, प्रेशर को रिमूव करता है। तो प्रेशर को रिमूव करते ही जो आपके लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और पाइप के थ्रू हमारे गैस बर्नर तक पहुँचता है, ठीक है। तो जो आपके पास
रिवर्स पॉसिबल होता है कि जैसे ही मतलब प्रेशर कम करने से जो आपके पास लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रेशर ज़्यादा करने से जो आपके पास गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट या हिडन एनर्जी भी बोलते हैं। तो हीट विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट्स विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर, कि ये वो हीट या ये वो एनर्जी होती है जो सब्सटेंस किस में यूज़ करता है, अपनी स्टेट चेंज करने में यूज़ करता है, जबकि और एग्जैक्टली जो आपका सब्सटेंस है उसकी उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज नहीं होता है, दैट इज़ लेटेंट हीट। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लेटेंट हीट इज दैट हीट विच इज़ यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस एंड सिंस देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है टेम्परेचर, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करने लग जाते हैं, मूवमेंट ज़्यादा होता है तो वो आपस में क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, अब ये है, ये समझने की कोशिश करना है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम नीचे से किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी सॉरी उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो कहाँ पे यूज़ हो रही है, वो यूज़ हो रही है उसकी स्टेट चेंज करने में, आइदर इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, लेटेंट हीट जो है वो आप उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हीट है, लेटेंट हीट है, वो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज्ड इट्स स्टेट। ठीक है, कि 1 kg अगर कोई भी सब्सटेंस है, वेदर इट इज ए सॉलिड और लिक्विड, उसकी स्टेट को चेंज करने में हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, बीकर है, इसको हम लगातार हीट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या है, कुछ आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने क्या, एक यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक थर्मोमीटर लगा दिया है, इसको हम लगातार क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट कि लगा क्या कर रहे हैं, हम नीचे से लगातार जो बीकर है उसको गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम थर्मामीटर में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो टेम्परेचर है वो क्या कहाँ पे स्टिक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही अटका हुआ है। और ये जब तक होता है जब तक कि जो सारी आइस है वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाती, वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट या इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर। सो सारी जो हीट है जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, मतलब सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको रिमूव करने में सारी जो एनर्जी है वो यूज़ हो रही है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस या फॉर वाटर इज 3.34 into 10 raised to the power 5 joule. इतनी एनर्जी जब तक हम देंगे तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको ओवरकम करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में उसको ख़त्म करने में सारी जो हमारी एनर्जी है वो यूज़ हो रही है. ठीक है, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, और वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की ज़रूरत पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हैव डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. ओके, एंड द नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट या क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस और इनटू वेपर्स. सो सेम ऐसे ही होता है कि हमने एक बिकर लिया, उसमें हम लगातार हीट कर रहे हैं, और इस बार हमारे पास उसमें क्या है, वाटर है, H2O है, और हमने सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक थर्मामीटर इंसर्ट किया है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम इसको लगातार हीट दे रहे हैं लेकिन जो वाटर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है. तो वो किस वजह से नहीं हो रहा है कि जो सारी एनर्जी है, टेम्परेचर जो है, मतलब वाटर जो है वो बॉयल होने लग गया है, मतलब टेम्परेचर जो है वो वाटर है वो बॉयल होने लग गया है. टेम्परेचर कितने पे पहुंच गया, आपको पता है 100 degrees centigrade पे वाटर क्या होता है, बॉयल होता है. तो 100 degrees centigrade पे जब एक बार टेम्परेचर पहुंच गया है, वाटर बॉयल होने लग गया है, उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर है वो एकदम स्टिल है, 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, जबकि हम लगातार तो हीट नीचे से दे रहे हैं. तो सेम इज द कॉन्सेप्ट कि जो सारी एनर्जी है वो कहाँ पे जा रही है, लिक्विड जो है पार्टिकल्स उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करने में, ओवरकम करने में जा रही है, और जो जिसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इन टू वेपर्स विदाउट राइज इन टेम्परेचर, एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर इज 22.5 × 10⁵ joule. ठीक है, और सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रहेगी. ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और इस पे आपके पास बहुत सारे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इवेपोरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है. इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स. तो हमने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, दैट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग. सो तो डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन इज बॉइलिंग इज इन दिस फिनोमिना लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ना हमने एक बॉइलिंग के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था. बॉइलिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर होता है जिस पे पहुंचते ही लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है. उससे नीचे जब टेम्परेचर रहता है तो वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है. हमने बॉइलिंग में ये पढ़ा था. लेकिन वेपरेशन क्या कह रहा है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में ही जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो हाउ इज इट पॉसिबल. सो इवेपोरेशन, आई हैव रिटन इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना. सो व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस फिनोमिना.
ठीक है, सरफेस फिनोमिना क्या होता है या एग्जैक्टली इवेपोरेशन में होता क्या है। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग, मोस्टली ड्यूरिंग द समर डेज, अगर आप कोई भी कंटेनर है ठीक है उसको बाहर रख देते हैं, ठीक है सनलाइट में रख देते हैं, या बिकॉज समर में जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 40-45 तक भी जा रहा है आजकल तो, ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ हमने पानी का जो कंटेनर है वो भर के रखा है, लेकिन हम शाम तक क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो पानी का जो कंटेनर है वो कुछ खाली हो गया है, ठीक है, जबकि उसमें से पानी किसी ने यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो क्या हो है, खाली हो गया है। जैसे आप ऑब्जर्व करना कि गर्मियों में हम पक्षियों के लिए किसी भी कंटेनर में क्या रखते हैं, बाहर पानी भर के रख देते हैं, है ना, तो शाम तक हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो लगभग हाफ मिलता है हमें, ठीक है, कुछ तो बर्ड्स हैं उन्होंने पानी पी भी लिया होगा लेकिन फिर भी इतना नहीं है ना कि वो हाफ हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे टेक प्लेस होता है इवेपोरेशन का फिनोमिना। देखो अब इवेपोरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपका कोई भी कंटेनर है जिसमें आपने क्या करके रख रखा है, वाटर फिल करके रख रखा है, तो जैसा कि आपको पता है लिक्विड है वो किससे बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, वो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स बल्क में हैं, बल्क में मतलब पानी के अंदर हैं, उनको चारों तरफ से जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं इसको अट्रैक्ट कर रहा है ये वाला पार्टिकल, इस तरफ भी कोई और पार्टिकल होगा वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस तरफ एक और पार्टिकल होगा, तो ये चारों तरफ से क्या होता है बाउंड होता है अदर पार्टिकल्स से, लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनको सिर्फ जो नीचे की तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ वो ही अट्रैक्ट करते हैं, या मान लो इधर की तरफ भी साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर की तरफ उनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई और पार्टिकल नहीं है, जो पार्टिकल जो सिर्फ सरफेस पे हैं। तो क्या होता है कि जब सनलाइट जो है इनके ऊपर पड़ती है तो जो पार्टिकल्स हैं सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है, इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो सरफेस को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं बाई कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर, उन पे ऊपर की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कम होता है, तो इसी वजह से उन वो क्या करते हैं सरफेस को छोड़ के बिकॉज ऑफ द सनलाइट या इंक्रीज इन टेम्परेचर समर में, तो वो सरफेस को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, ठीक है, जबकि पानी को आपको पता है बॉयल होने के लिए कितना चाहिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्री चाहिए, लेकिन बाहर जो टेम्परेचर है वो तो क्या है 40-45 है, लेकिन फिर भी कुछ वाटर पार्टिकल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन, ठीक है, सो और इसीलिए बोला गया है कि ये सिर्फ सरफेस पे ये जो पार्ट फिनोमिना होता है ये नीचे जो बल्क में जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए नहीं होता है, ये सिर्फ किसके लिए होता है जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये वाली जो लेयर है माना सरफेस के पार्टिकल्स ये इवेपोरेट हो गए तो दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे ऊपर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे, सो इसीलिए बाहर रखा हुआ गर्मियों में पानी जो होता है वो कुछ टाइम बाद क्या होता है धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ये जो प्रोसेस है वो वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से ही जो हमारा वाटर साइकिल है वो फॉर्म होता है, क्योंकि जो पॉन्ड वगैरह जो होते हैं जब वाटर जहाँ पे भी स्टोर होता है वो, या जो सी का जो वाटर है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है इवेपोरेट होता रहता है, और क्या करता है वाटर वेपर्स बनके और ऊपर चल मूव होने लगता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर मूव होने लगता है एटमोसफियर से थोड़ा सा या कुछ ऊपर जाके क्या हो जाता है वो कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन हो जाता है तो जब
वेपर्स हैं वो लिक्विड में जब कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स जब आपस में क्या होती हैं कंडेंस मिल जाती हैं तो देन दे फॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड्स जब एक टाइम मतलब इवेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं तो वो बहुत भारी हो जाते हैं एंड देन दे फेल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो वाटर साइकिल में या रेन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी इवेपरेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो प्ले करता है। इसीलिए जो समर सीजन होता है उसी में ही मैक्स क्या होता है मेनली रेन होती है ना, पहले समर आता है फिर उसके बाद रेन आता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इवेपरेशन से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा विंटर जो होती है उसमें बारिश कम होती है क्योंकि इवेपरेशन कम होता है। ठीक है, सो इवेपरेशन जो है एक वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तो मैं ट्राई करूँगी इवेपरेशन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की, एंड देन वी विल डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन, और उसके साथ साथ हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, और एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इवेपरेशन के बाद हमेशा कूलिंग होती है व्हाई, और फिर इसी के साथ फिर आपका जो ये चैप्टर है वो फिनिश होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।